Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. कल विद्या भवन में महेंद्र सिंह गाना गाएंगे। रास्ते में माइक से बोलते हुए जा रहे हैं, हैंडबिल बांट रहे हैं। ये देखो, तुझे कितनी बार मना किया है ना, इतने बड़े गायक को नाम से मत पुकारना, वो तुझसे कितने बड़े हैं। माफ करना, गलती हो गई। शिवम, तू उनका गाना सुनने जाएगा? हाँ, जरूर जाऊंगा, पर टिकट कहाँ से आएंगी? मालती दीदी। अरे शकुंतला, आ अंदर। मुझे 20 रुपए उधार दोगी? महीने का अंत है ना, इसीलिए पैसे नहीं है, बहुत जरूरत है। तू इतना हिचकिचा क्यों रही है? रुक, दे रही हूँ, तू बैठ। ये ले, चाय पिएगी? नहीं रे, अभी खाना बनाना है, तनख्वाह मिलते ही लौटा दूंगी। अरे ठीक है। नहीं, 25-50 कुछ नहीं है, 100 का 3 है, ले सकते हैं। सभी 100 रुपए के? हाँ। लेकिन मेरे पास तो इतने नहीं है। महेंद्र सिंह का गाना सुनेंगे और 100 रुपए खर्च भी नहीं करेंगे? हटिए, मुझे लेने दीजिए। कितना बोले? 3? 3 मुझे दीजिए। ए बच्चा, हाउसफुल बोट लगा दे। नमस्कार, आप लोग थोड़ा शांत हो जाएं। आज की इस सुनहरी शाम में आप लोगों के सामने गाना गाने के लिए उपस्थित हैं, बोलिए तो कौन? महेंद्र सिंह, द ग्रेट महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह अभी इस शहर में ज़्यादातर शो नहीं कर पाते हैं, कारण वे अभी बॉलीवुड जगत के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, काफ़ी व्यस्त हैं। देखिए, मैं गाना नहीं सुनना चाहती, लेकिन मेरा बेटा गाना सुनना पसंद करता है, कृपया करके एक कोने में उसे एक बार कहा ना मैंने कि अंदर जगह नहीं है, और वैसे भी टिकट के बिना अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आप हट जाइए, आप आइए। आज के इस अनुष्ठान में मेरे खास अनुरोध पर वे राजी हुए हैं आप लोगों को गाना सुनाने के लिए। पता है, महेंद्र सिंह ना बहुत बड़े गायक है, बहुत नाम है उनका, इसीलिए टिकट नहीं मिली। माँ, मैं भी बड़ा होकर ऐसा सिंगर बनूंगा, मेरा भी बहुत नाम होगा। जरूर बेटा, जरूर। महेंद्र सिंह हाजिर। नमस्कार, नमस्कार। मैं आपकी पसंद का गाना ही गाऊंगा। इतने दिनों में मैंने आप लोगों को कई सारे गीत सुनाए हैं, आप लोगों का प्यार मिला है मुझे, धन्य हुआ हूं मैं। वैसे मैं हूं तो पंजाबी, लेकिन यहां पिछली 3 पीढ़ियों से हम रहते आए हैं। मेरे तन में, मन में आपका प्यार बसा है, और इसीलिए शादी भी की एक गांव की लड़की से, पूरी तरह से बंगाली बनकर, धोती पंजाबी पहनकर, सर पे टोपर पहनकर, बंगालियों की तरह बीवी को बुलाता था, ओगो सुनती हो? लोकीटी सुनो ना। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था, मेरी प्यारी शकुंतला कहीं खो गई, नहीं जानता आज वो कहां है। तू
दुष्मंत राजा अगर मैं होता शकुंतला को पहचान ही लेता अंगूठे रहना रहे उंगलियों में फिर भी नहीं मैं उसे भूल पाता को पहले
मत रो माँ, मैं गाना नहीं सुन पाया तो क्या हुआ, मैं जब बड़ा होकर नौकरी करूँगा तब 100 रुपए की टिकट खरीद के मैं उनका गाना सुनूंगा। फिर से तू उनको वो आदमी कह रहा है? ठीक है, अब से मैं उनको महेंद्र सिंह महाशय कह के बुलाऊंगा। महाशय? महाशय क्यों? तो फिर महेंद्र सिंह बाबू? हट, वो सब बाबू बाबू भी नहीं। तो फिर क्या बोलूं जी? प्रियसी। नहीं नहीं, ये सब मत बोलना बदतमीजों की तरह। आई, बदतमीज मतलब? बंगाली तो अपनी बीबियों को ऐसे ही बुलाते हैं। प्रियतमा, प्रिये, प्रियसी, हृदय सुंदरी। तुम भी ना, कुछ भी। के आश्चर्य, मैं बंगालन से शादी करूंगा इसलिए कब से ये सीख कर बैठा हूँ। नहीं पंजाबी बाबू, वो सब भूल जाओ, आजकल ऐसे चिट्ठी में भी कोई नहीं लिखता। बढ़िया, तो मैं तुम्हें कहकर पुकारूंगा। ओगो सुनती हो? ए, सुनो ना लखीती। ड्रामा, ड्रामेबाज। नहीं, तुम ये सब भी नहीं बोलोगे। तो फिर क्या बोलूं जी? घोचू। क्या कहा? घोचू? मैं घोचू कहूँ उनको? हट पगले, किसी को घोचू कहते हैं क्या? उससे अच्छा तू कहना महेंद्र सिंह जी। सिंह जी, महेंद्र सिंह का लंबा सिर। शरारती कहेगा। चलो रात हो गई, खा लो। डरावना सपना देखी हो क्या? नहीं बेटा, नहीं बेटा, कुछ नहीं। तू सो जा, तू सो जा बेटा, सो जा, सो जा। माँ, तूफान आने से मुझे भी बहुत डर लगता है। लगता है ये छत जैसे कि अभी टूट जाएगी। नहीं रे, डर किस बात का? मैं हूँ ना। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पास बड़ा घर क्यों नहीं है? है बेटा, हमारा बहुत बड़ा घर है, गाड़ी, बहुत सारे लोग। वहाँ पे कौन है? वहाँ तेरे पापा है। पापा? मेरे पापा? बादल, चंदन, लता के जैसे पापा है वैसे मेरे भी पापा है। हाँ बेटा, तेरे भी वैसे पापा। मेरे पापा दिखने में कैसे हैं? बहुत सुंदर। तुमसे भी ज्यादा? मुझसे भी सुंदर, लेकिन तुझसे सुंदर नहीं। तू तो मेरा राजकुमार है। माँ, मुझे पापा के पास जाना है। सो जा बेटा, सो जा। छुप जाना रे, जन भर को लुक जाना रे, नींदी आँखों में आई, बेटा मेरा सो जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं ये क्या, सारी रात ऐसे ही पड़े रहे छोटे बाबा? छोटे बाबा, हाँ? पूरी बोतल खाली छोटे बाबा? छोटे बाबा, सुनिए, मुंबई में आपकी जो मर्जी वो कीजिए, कोई नहीं देखेगा, लेकिन यहां मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। माँ नहीं है, बहुरानी भी चली गई,
और आपकी जो मर्जी किए जा रहे हैं। बचपन से आपको सीने से लगाकर बड़ा किया यही दिन देखने के लिए। आज अगर बड़े बाबू जिंदा होते। बनवारी भैया, सुबह सवेरे बारी पर कम ज्ञान मत दो। वो तो आप कहेंगे, कुछ अच्छी बात कहेंगे तो आप बोलेंगे कि मुझे भारी भरकम ज्ञान मत दो। लेमन टी लेकर आओ। देख, अब मैं भी दारू पीना शुरू करूंगा, दारू पीकर पढ़ा रहूंगा, और मुझे कुछ बोलने आएंगे तो मैं कहूंगा कि मुझे भारी भरकम ज्ञान मत दीजिए। गलती हो गई बाबा, अब नहीं बोलूंगा। जाओ चाय लेकर आओ ताऊ जी। फिर से मुझे ताऊ जी कहा? बुआरी, क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है। You have seen that some food. माँ, एक हारमोनियम खरीदने में कितने पैसे लगेंगे? हारमोनियम? क्यों रे? नहीं, ऐसे ही पूछा। मैं जानती हूँ तूने ये क्यों पूछा है। गाना सीखना चाहता है ना, लेकिन क्या करूँ बेटा, उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। तुझे तो पता ही है, तेरी स्कूल की फीस भी ठीक से नहीं दे पा रही हूँ। तू अभी मन लगाकर पढ़ाई कर, इसके बाद जब बड़ा होकर नौकरी करेगा, बहुत बड़ी नौकरी, तब तुझे मैं एक पियानो खरीद के दूंगी, तब तू गाना सीख लेना। पर गाना तो बचपन से ही सीखना पड़ता है, नहीं तो महेंद्र सिंह जी की तरह गाऊंगा कैसे। पता है माँ, मैं हर शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद उस तरफ मंदिर में जाके अकेले गाना गाता हूँ। हे भगवान, मुझे लगता था मेरा बेटा कहीं खेलने गया है। क्या रे शकुंतला, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, काम पे नहीं जाएगी? मैं बिल्कुल तैयार हूँ मालती दीदी, एक मिनट। क्या शिवम बाबू, क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है? मॉडर्न साइंस। अरे बाप रे, ये क्या है? ये ले, टिफिन में कुछ खा लेना, और सुन, रसोई घर में खाना रखा है, सारा खा लेना, ठीक है? और स्कूल जाते वक्त दरवाजा बंद करके चाबी राजू के दुकान पर देके जाना। चल मालती दीदी। चल। चलती हूँ बेटा। बहुत पैसे हो गए, और कुछ दिन बाद हारमोनियम खरीद पाऊंगा। पता है मालती दीदी, शिवम गाना सीखना चाहता है, क्या करूँ बोल तो। बेकार वो सब करके क्या फायदा, क्या होगा गाना सीख के, फिर देखना भूखा ना मरना पड़े। ऐसा क्यों कह रही है? किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, इन्होंने गाना गा के कितने पैसे कमाए हैं, और अब कुमार सानू, महेंद्र सिंह। देख शकुंतला, महेंद्र सिंह बनना इतना आसान नहीं है, सभी उनके जैसे नहीं बन सकते हैं, फिर देखना कुछ भी नहीं होगा। तेरी मम्मी पैसे नहीं देती टिफिन खाने के लिए? हाँ, रोज देती है। ए, झूठ क्यों बोल रहे है रे? तो फिर तू कुछ खाता क्यों नहीं? मैं पैसे जमा रहा हूँ, हारमोनियम खरीद के गाना सीखूंगा। फिर क्या तू रास्ते में हारमोनियम बजा के भीख मांगेगा? मुझे कुछ पैसे दो साहब, मुझे कुछ पैसे दो। मैं पैसों का भिखारी नहीं हूँ, मैं गीतों का भिखारी हूँ। Thank you.
शकुंतला, लगता है शिवम के लिए आज मछली बनाई जा रही है। और मत पूछ, वो खाने का बहुत शौकीन है। कभी कहता है राजमा खाना है या फिर आलू के पराठे, और कभी कहता है गाजर का हलवा खाना है। ठीक अपने पापा की तरह। माँ, तुम्हारी बक्सा में महेंद्र सिंह जी की एक फोटो है, ये देखो। क्यों बक्सा को हाथ लगाया? हाँ, क्यों निकाली ये फोटो? मुझे कपड़े निकालने थे इसीलिए। मुझसे क्यों नहीं कहा तूने? सिर्फ चीजों को हाथ लगाता रहता है। हाँ, क्या कर रही हो? बेकार में क्यों मार रही हो बच्चे को? इसकी क्या गलती है? जा बेटा, तू पढ़ाई कर। महेंद्र सिंह जैसे बड़े गायक की ऐसे दूल्हे के भेष में फोटो तेरी बक्सा में कैसे आई? और ये शिवम के हाथ लगने से तुझे इतना गुस्सा क्यों आया? मुझे पता है तूने बहुत कुछ छुपाया है मुझसे। नहीं मालती दीदी, तू मुझसे मत पूछ, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। तुझे बताना ही पड़ेगा। नहीं मालती दीदी, नहीं। 8 साल पहले जब मैंने तुझे खुदकुशी करने से बचाया था, तब तूने ही मुझसे कहा था तेरा पति तुझे छोड़ के चला गया है, इसीलिए तूने खुदकुशी करने की कोशिश की। तब मैंने ही तुझे समझाया था शिवम के लिए तुझे जीना होगा। तुझे यहाँ लाके इस कारखाने में नौकरी लगवा दी। जिस औरत का पति उसे छोड़ देता है, वो मांग भर के ऐसे सिंदूर नहीं लगाती है, इतनी बड़ी बिंदी नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? पत्नी तो हमेशा पति का भलाई ही चाहती है, लंबी उम्र की दुआ करती है। वो भी उसे छोड़ देने के बाद भी? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, उनका कोई दोष नहीं है, सब गलती मेरी है, मैंने उन्हें छोड़ा है, उन्होंने नहीं। पर वो कौन है? क्या वो महेंद्र सिंह है? चुप मत रह शकुंतला, जवाब दे, ये महेंद्र सिंह ही तेरे पति है? महेंद्र सिंह ही मेरे पति है, शिवम के पापा। लेकिन लेकिन तू कभी शिवम को मत बताना कि महेंद्र सिंह उसके पापा है। शिवम को कभी भी पता ना चले कि वो महेंद्र सिंह का बेटा है। महेंद्र सिंह मेरे पापा है। नहीं तो वो अपने पापा के पास जाना चाहेगा। मैं उसे उसके पापा के पास जाने नहीं दे सकती, और मैं भी शिवम को छोड़कर नहीं रह सकती। लेकिन इतने बड़े गायक की पत्नी होकर भी इस तरह यहाँ क्यों रह रही है? क्यों वापस नहीं जा रही है उनके पास? क्या उन्होंने फिर से शादी कर ली है, या फिर किसी और के साथ? नहीं मालती दीदी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा मत पूछ, बस इतना जान ले, मैं उनके पास दोबारा नहीं लौट सकती। मैं बहुत तकलीफ में हूँ मालती दीदी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। पापा, जानते हो मैं आपका बेटा हूँ, और मैं तुम्हें महेंद्र सिंह जी नहीं बोलूँगा, पापा कहूँगा। पापा, मैं तुम्हारे पास जाऊँगा, तुमसे पूछूँगा क्यों तुमने माँ को और मुझे इस बस्ती में छोड़ रखा है। हाँ, हम तुम्हारे पास जाएंगे, तुम्हारे पास रहूँगा पापा, कभी भी ना मत बोलना पापा। जी हाँ हाँ, पता है देख लॉरी मार के चली गई। हाँ हाँ, अभी 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 कहाँ से आए? अरे महेंद्र सिंह, अरे महेंद्र सिंह आए, अरे महेंद्र सिंह आए, क्या हुआ है? अरे इस बच्चे को लॉरी टक्कर मार के चली गई। अरे लड़के को पहचानते हो? नहीं, देखा नहीं कभी पहले। इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ जरूर जरूर। अरे हटो हटो हटो, उठा 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 हटो हटो, पकड़ो पकड़ो, संभाल के संभाल के। दरवाजा खोलो भाई।
दरवाजा खोलो इधर। धन्यवाद। नहीं वैसा कुछ नहीं हुआ है, इंटरनल हैमरेज भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है लॉरी ने साइड से धक्का मारा है, शायद चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया। थैंक गॉड। क्या मैं अभी जा सकता हूँ डॉक्टर? हाँ जरूर, मैं ऐसा करता हूँ सारे पुलिस स्टेशन में खबर कर देता हूँ। उसके माँ बाप उसकी खोज अब तक शुरू कर चुके होंगे। मेरा फोन नंबर ले लीजिए अगर कोई जरूरत पड़े तो। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आपको कौन नहीं जानता है, और आपका फोन नंबर हमारे टेलीफोन ऑपरेटर को जरूर याद होगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय। ये बनवारी भैया, तुम्हारे छोटे बाबा तो अभी तक नहीं आए, और एक कप चाय दो। चाय नहीं मिलेगी। क्यों? अदद दूध नहीं है, शक्कर भी नहीं, गैस भी खत्म, संसार तो बसाए नहीं हो। तुम तो जैसे काफी संसार बसाए हो। ये क्या कर रहा हूँ, मक्खी मार रहा हूँ? ये नहीं, तुम्हारे संसार के बारे में बोल रहा हूँ। शादी तो हुई नहीं, संसार कहाँ से बसाऊं। सुनो, क्यों नहीं हुई? कोशिश नहीं की? कोशिश की थी। उसके बाद लेकिन एक घटना घट गई। क्या? बहुत दिन पहले एक लड़की से मैंने कहा मुझसे शादी करोगी? ये क्या कह रहे हो? उसने बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कहा उल्लू जैसी सूरत मुझसे शादी करेगा। उसके बाद कभी कोशिश नहीं। अच्छा किए। तो हाँ जी, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? लगभग वही उल्लू वाला चेहरा। नहीं, मेरा कारण है अंडा। अंडा? नहीं समझे? तो फिर मैं खुलकर बताता हूँ। मैं तब कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा। एक लड़की के प्यार में पड़ गया। तो उसे समझा बुझा कर लेक में घुमाने के लिए ले गया, और वो लड़की पहनी हुई थी पीले रंग की एक सुंदर साड़ी, और मैं भी पहना हुआ था एक पीले रंग का कुर्ता। हम दोनों एक साथ चलते चलते एक सुनसान सी जगह पे पहुंच गए। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अबे देख डबल अंडे के ऑमलेट जा रहे हैं। अरे हंस रहे हो तुम? वो लड़की तो काफी गुस्सा हो गई। मैंने कहा देखो आवाज लगाई उसने और गुस्सा हो रही है मुझ पर। वो कहने लगी नहीं, उसने ठीक ही कहा है, तुम एक अंडे हो। ठीक ही कहा? कहा हाँ कहा, लेकिन उसी दुख में शादी ही नहीं। अच्छा किया तुमने शादी नहीं की। क्यों? अगर शादी कर लेते तो सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी तुम्हारे गालों पर डबल अंडे का ऑमलेट बनाती रहती। रुक, छोटे बाबा आ गए। क्या रे, कहाँ था अब तक? बताता हूँ बनवारी भैया। हाँ? एक कप चाय। हाँ दे रहा हूँ। नहीं चाय नहीं मिलेगी। इसका मतलब? तुम तो सिर्फ कह देते हो। अरे गैस नहीं मिल रही है, चीनी का दाम बढ़ गया है, दूध का दाम बढ़ गया है। कुछ भी कहना बेकार है समझे, एकदम लड़की वाला स्वभाव, कोई बात नहीं पचती। वो लड़की ठीक बोली थी, तुम बिल्कुल अंडे हो। बैठिए दे रहा हूँ। बहुत गुस्सा हो गया। हेलो महेंद्र बाबू है? हाँ क्या बात है? मैं डॉक्टर मुखर्जी बोल रहा हूँ। महेंद्र बाबू कुछ देर पहले जिस लड़के को मेरे हॉस्पिटल भर्ती करके गए हैं उस बारे में कुछ बात करनी है मुझे। रुकिए, तेरा फोन आया है हॉस्पिटल से। हाँ बोलिए डॉक्टर। लड़की को होश आ गया है लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं बस टेम्पोररी है, अभी तो कुछ बोल नहीं पा रहा, नाम पता कुछ भी नहीं। हम लोग आसपास के सभी थानों में खबर कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई खबर लेने के लिए नहीं आया। मुझे लगता है ये लड़का बहुत दूर से पैदल चल के आ रहा था। आई सी। जिस वजह से आपको फोन किया, लड़के की जेब से एक तस्वीर मिली है। फोटो? अच्छा कैसी फोटो? फोटोग्राफ थोड़ा फटा हुआ। तस्वीर आपकी है, आपके सर पे टोपोर, गले में माला, लगता है आपकी शादी की तस्वीर है। सच? डॉक्टर मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग डॉक्टर, अभी आता हूँ। डॉक्टर सुनिए, आई एम सॉरी, आप उसे जनरल वार्ड में मत रखिएगा, उसे स्पेशल रूम में रखिएगा। गिव हिम बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लीज। हाँ हाँ जरूर। बहुत चिंता हो रही है मालती दीदी, शिवम तो कभी भी स्कूल से लौटने में देर नहीं करता। वो उस दिन कह रहा था मंदिर में जाके भी कभी कभार गाना गाता है, वहाँ भी नहीं मिला। उसके दोस्तों से पूछा शिवम स्कूल गया है कि नहीं, वो भी ठीक से बता नहीं पाए। तब तो बहुत चिंता की बात है रे। चल हम थाने चलते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में जाके पता लगा। नहीं नहीं ऐसी अशुभ बातें मत कर, बहुत डर लगता है।
चल थाने ही चलते हैं। चल। बेटा, ये फोटो तुम्हें कहां से मिली? तुम्हारा नाम शिवम है ना? तुम्हारी माँ का नाम शकुंतला? तुम्हारा घर कहाँ है बेटा, बोलो। अभी शायद इससे इतने सवाल पूछना ठीक नहीं होगा, उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है, हो सकता है वो पागल हो जाए। उसे अभी आराम की जरूरत है, टोटल रेस्ट। उसके बाद देखिएगा, पुराने लोगों को पुराने माहौल में रहते रहते शायद उसे पुरानी बातें याद आ जाए। लेकिन कितने दिनों में डॉक्टर? ये अभी बोलना बहुत मुश्किल है। 15 दिन भी लग सकते हैं, 15 महीने भी, इट डिपेंड्स। इस तरह के ब्लैंकनेस या ब्लैकआउट में एकमात्र चिकित्सा है विश्राम। डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं ट्रांसजेंट एम्नीशिया। सुनिए, थाने से पता चला आज दोपहर को एक लड़की को यहाँ एडमिट किया गया है, क्या आप नाम बता सकती हैं? नाम कैसे बताऊं, उसकी तो याददाश्त ठीक हो गई है। ये क्या? हाँ, जानी मानी गायक महेंद्र सिंह ने उसे बेहोश हालत में उठाकर यहाँ भर्ती करवाया है। अभी अभी होश आया है उसे। उसकी कमीज की जेब से महेंद्र सिंह की एक तस्वीर मिली है, पुरानी तस्वीर है। महेंद्र सिंह दूल्हे के वेश में सजे हैं। उन्हें फोन पे खबर दी गई है, वे यहाँ आई हुई है। उस बच्चे से जब पूछा गया उसे वो तस्वीर कहाँ से मिली, तो वो कुछ नहीं बोल पाया, और बोलेगा भी कैसे, उसकी याददाश्त चुक हो चुकी है। वो बच्चा कहाँ है अभी? वो रूम नंबर 25 उस तरफ। अब क्या करेगी तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चल चलते हैं। उसे एक बार देखेगी भी नहीं? मैं महेंद्र के सामने नहीं जा पाऊंगी। पिछले 8 साल से मैं खुद को छुपा के रखी हूँ। अच्छा ठीक है, उनके सामने तुझे नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन छुपके एक बार शिवम को तो देख सकती है। वैसे भी शिवम की याददाश्त वापस आने के बाद वो तेरा पता उन्हें बता ही देगा, तब पागल मत बन, चल। अच्छा, 25 नंबर कमरा कहाँ है? उस तरफ। डॉक्टर पांडे, आप कह रहे हैं उसे रेस्ट चाहिए? यू आर राइट, उसे मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। थैंक यू डॉक्टर। और हाँ, शकुंतला नाम की कोई औरत इसे ढूंढती हुई यहाँ आए तो उसे बैठाकर मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। शकुंतला, और आपको जो जो ट्रीटमेंट करने की जरूरत हो वो सब घर पे आके कर दीजिएगा प्लीज डॉक्टर। ओके ओके। को लेकर चले गए, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मालती दीदी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बनवारे भैया, ये देखिए हमारा शिवम। शिवम? हाँ। बहुरानी? बहुरानी कहाँ? आएगी, वो भी आ जाएगी, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? शिवम, ये रहा तुम्हारा घर, ये सब तुम्हारा है बेटा, तुम्हारा। और ये है बनवारी भैया, इनकी एक बुरी आदत है, ये बीच बीच में ज्ञान देते रहते हैं। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हारी जो मर्जी तुम वही करना। बेटा शिवम, तुम्हारे पापा ने तो मेरे साथ तुम्हारा परिचय नहीं करवाया, मैं ही करवा देता हूँ। मैं हूँ तुम्हारा ताऊ जी। बोलो ताऊ जी, बोलो। विमल ताऊ? अच्छा, ताऊ का मतलब समझते हो? घोड़े की दुम। और सुनो, इसका एक और नाम है, डबल अंडे का ऑमलेट। ए बनवारी भैया, आज रात शिवम को क्या खिलाओगे? खाना? हाँ। चिकन करी? हाँ। अंडे की भुर्जी? फिश फ्राई? गोभी की सब्जी? पूरी। अरे हाँ, पूरी। क्यों, मिठाई में क्या है ये बताओ। हाँ, मिठाई का क्या होगा? राजभोग। कुछ खा ले, जल्दी में जो बन सका वो ले आई। मन नहीं कर रहा है मालती दीदी, शिवम के बिना
नहीं खाया जाता। क्या करेगी बोल, वैसे अच्छा ही है। आज वो अपने पापा के पास कितना कुछ खा रहा होगा, कितना कुछ। तू ये रोटी सब्जी ही खा ले, जिसकी जैसी किस्मत। तू यहाँ रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। पता नहीं शिवम अभी क्या कर रहा होगा। छोटे बाबा, शिवम की पीठ में ये निशान कैसा? देखूं? हाँ शिवम, तुम्हारे पीठ पर ये निशान कैसा है? कट गया था क्या? पता नहीं। गुड, लो दूध पी लो, एक ही घूंट में पी जाओ। वाह वाह, पूरा पी लो। वाह वाह वाह, ओ लक्की चले। ये देखो तुम्हारी माँ, देखो पहचान पा रहे हो? हमारी शादी के समय का है। जानते हो शिवम, तुम जब 6 महीने के थे तब तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर चली गई थी, और फिर लौट कर नहीं आई। मैंने कितनी तलाश की, पहले मेरे जीवन में सब कुछ था, तुम थे, तुम्हारी माँ थी, मेरी माँ थी। कितना सुख, कितनी शांति थी। क्या रे किशोर कुमार, रियाज कर रहे हो? भैया रियाज नहीं करेंगे तो ये पापी पेट कैसे भरेंगे। ठीक है चलाए जाओ। सुनो, इस महीने की 15 तारीख को बैंड्रा में एक शो है, वो लोग आए थे, कुछ रुपए एडवांस देके गए हैं और बाकी शो के बाद देंगे। थैंक यू। रेट अब जरा बढ़ाओ बिमल भैया। बढ़ेगा, इत्मीनान रखो। अरे भाई अब सीडी निकली समझो, उसमें से 1-2 गाने अगर लोगों को पसंद आ गए ना, रेट खुद ब खुद बढ़ेगा। हरे दार तारा ताना तन्ना तन्ना चाय माँ। 15th को एक फंक्शन है, इसका एडवांस बिमल भैया लग रहा है। सच बिमल, तुम इसके साथ हो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे कारण ही सब कुछ। अच्छा ये सब क्या कह रही हैं आप, लोगों के साथ क्या मेरा वैसा रिश्ता है? ये मेरा भाई सब कुछ जानती हूँ बेटा, तुम लोग बातें करो। आज शाम 5 बजे मुझे हरिपुर जाना है। हरिपुर? हाँ, वहाँ मेरे एक ताऊ जी रहते हैं, उनकी बेटी की शादी है। लेकिन 15th को जो फंक्शन है। 15th? आज तो बस 5 तारीख है, काफी समय बाकी है। अरे भाई 9-10 तारीख तक मैं लौट आऊंगा। भैया 5 दिन जो तुम्हारे साथ मुलाकात नहीं होगी तो इतने दिनों तक मैं क्या करूंगा? भिंडी तलेंगे। भिंडी तलूंगा मतलब? भिंडी 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 भिंडी। हाँ भिंडी, जब औरतों के पास काम नहीं रहता तो रसोई में भिंडी तलती है, उसमें ज्यादा समय लगता है। मैं कल ही बाजार से ढेर सारी भिंडी लाऊंगा, उसे तलते रहिए। लेकिन मैं तो लड़की नहीं हूँ ना। राइट राइट, ये तो लड़की नहीं है। अब बोलो एक काम करो, क्या इन्हें अपने साथ लेते लेकिन बिमल भैया किसने इनवाइट नहीं किया? इनवाइट? हाँ। अरे धत पागल, मेरे जिन ताऊजी की बेटी की शादी है वो ताऊजी तो घर से निकलते ही नहीं, बल्कि मुझे भी उन्होंने चिट्ठी द्वारा इनवाइट किया है, दोस्तों के साथ आना। मैं चलूंगा तो दोस्तों के साथ, भैया नहीं।
क्या हुआ महेंद्र कुमार? कैसा लग रहा है मेरा गांव? बहुत बढ़िया भैया, जी में आ रहा है यहीं रह जाऊं सारा जीवन। अच्छा तो रह सकते हो, यहाँ घर जवाई रखने का एक रिवाज है। मतलब बात बहुत सिंपल है, ये लोग जवाई से खेती करवाते हैं, धान कटवाते हैं, मछली पकड़वाते हैं। सीधी सी बात है, नाम के जवाई और काम के नौकर। बात चलाऊं भैया? हाँ जुगाड़ लगाओ ना। इसके बाद भी? हाँ नहीं नहीं, तेरा पैर किधर है? पैर किधर है? चल। अरे अरे रहने दो बेटा, रहने दो। जानते हैं ताऊ जी, हाँ। ये तो आना ही नहीं चाह रहा था, कह रहा था मेरा निमंत्रण नहीं है। निमंत्रण? बहन की शादी में निमंत्रण कैसे? इसीलिए तो जबरदस्ती लेके आया, पता है बहुत अच्छा गाता है, ये अकेले ही कोहबर जमा देगा। अच्छा आशीर्वाद करता हूँ बेटा, तुम बहुत बड़े गायक बनो। धन्यवाद। फिर तो आपको संध्या दी के कोहबर में गाना गाना ही पड़ेगा। हाँ कोहबर, फिर कोहबर मतलब? कोहबर का मतलब हुआ शादी के बाद नई दुल्हन दूल्हे के साथ जहाँ बैठकर नोक झोक करती है। विमल भैया ठीक हूँ, ठीक हूँ। नमस्कार महेंद्र, यह है संध्या, कल इसी की शादी है। अच्छा मतलब नई नई वाली दुल्हन। ठीक है, तुम्हारे नोक झोक में मैं गाना गाऊंगा। हुर हट हट, हुर हट हट, हुर हुर हट हट। अरे 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 दद्दू, कीचड़ में पहिया फंस गया है, चलो चलो निकाल। नमस्कार। चलो 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 चलो, धन्यवाद बाबू। फिसल गया। फिसल गया। ऐसा है क्या? ए चंपा, यहाँ इतना कीचड़ क्यों है रे? हमारे शहरी बाबू फिसल गए? ये बहुत ही गलत हुआ। अब भलाई का काम किया और आप लोग हंस रही हैं? वही तो, ये बहुत गलत हो रहा है, अब बिल्कुल मत हंसना। तो क्या करें? सब मिलके रोए। अच्छा शकुंतला तू पहले शुरू कर। ठीक है। अरे सत्यनाश हो गया रे, शेरी बाबू अच्छा काम करने आए थे, फिसल गए। अरे क्या सत्यनाश हो गया रे, अरे क्या सत्यनाश हो गया रे। मैं कह रहा था कि चुप। तुसी क्यों रोंदे हो? जूतियां मेरिया खराब हुई ने, कपड़े मेरे खराब हुए ने, सुनिया तुसी क्यों सेपा पाए दे हो? वो तो मेरी आ रही हैं। ये ऐसे अजीब सी कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं पता? सुनिए सुंदर महिलाएं, मैं एक परदेसी हूँ, पंजाबी, मेरा नाम महेंद्र सिंह, विमल भैया के साथ आया हूँ संध्या की शादी में। ऐसा है, चल यहाँ से चलते हैं, फिर हम फिर चलते हैं। सुनिए एक बात बोलूं? क्या? मैं गायक हूँ, गाना गाता हूँ। ऐसा है क्या? हाँ, आप गाना गाते? मैं गाना गाता हूँ। सुर को साधना मेरा काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए बोल रहा हूँ, जब कभी रोइएगा थोड़ा सुर में रोइएगा, सुनने में अच्छा लगेगा। अच्छा जाइए घर जाइए। नमस्कार। नमस्कार। आओ पंडित जी। पंडित जी कौन? मैं हूँ जीवन जी का भतीजा विमल। ओ विमल, अरे आओ आओ। अरे बाहर से क्यों बुला रहे हो? अरे ठीक है ठीक है, सुख शांति से रहो, बैठो। नमस्कार। अरे इन्हें तो मैंने पहचाना नहीं। महेंद्र मेरा भाई जैसा है, शहर का उभरता गायक। अच्छा, गांव देखना चाह रहा था इसलिए। वाह वाह वाह, बैठो बैठो, तुम भी बैठो। हाँ बैठ। तो पंडित जी बात यह है कि आपने संध्या की शादी के लिए जो लिस्ट दी थी वो सब मंगवा लिया गया है, तो ताऊ जी पूछ रहे थे मुहूर्त कब का है। मैंने तो जीवन को बताया था शाम 6:45 से रात 9:45 तक, तो मैं 6 बजे तक पहुँच जाऊंगा।
पापा आपने कहा था कि अरे शकुंतला कैसी हो? अच्छी हूँ। गाने की क्लास खत्म हो गई? अच्छा तुम गाना भी सीखती हो? हाँ, हमारे हाई स्कूल वाले निरंजन बाबू ने यहाँ गाने की एक स्कूल खुली है। ये वहाँ पर ही थोड़ा। तो बेटी, इन लोगों के लिए जरा चाय वगैरह का इंतजाम। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तो चाय वाय पी के ही आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गांव कैसा लग रहा है महेंद्र? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ सिर्फ क्या, यहाँ के किचन में बहुत फिसलन है, पैर फिसल गया। आज ये काफी जोर से गिरा है, किसी की बैलगाड़ी का पहिया निकालते वक्त गिर गया। अरे ये क्या, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मगर यहाँ की लड़कियां बहुत ही अच्छी हैं। मुझे फिसलते हुआ देखकर रोना रुक ही नहीं रहा था। रोना, ये क्या, हंसी नहीं? नहीं नहीं, रो रही थी मगर बेसुरी। बेसुरा रोना, वो क्या? हाँ हाँ, ये तो गाना गाता है इसलिए रोने में भी सुर खो जाए। क्यों शकुंतला, तुझे तो गाना आता है, तो तू सुर से रो नहीं पाई? नहीं, मैं मतलब शकुंतला तुम? अरे दोपहर के खाने के वक्त उसी ने तो ये कहानी सुनाई थी। शकुंतला तू भी थी उन लोगों के साथ? हाँ हाँ, यही तो ज्यादा रो रही थी, लेकिन एकदम बेसुरा। ए, कौन बड़ा है, दूल्हा या दुल्हन? दूल्हा। दुल्हन को एक बार देखने बोलिए, कहीं दुल्हन टेढ़ी तो नहीं है? तुम्हें भी तो देखूं, कहीं तुम टेढ़े तो नहीं हो? किचन में गिर गया था ना पंजाबी बाबू। जमल के जाना शादी के सामियाने में, कि लोग मिलाते हैं जमल गोटा खाने में, और गलती से दूल्हे के हिस्से में जो आ गया दोस्तों, तो सुहाग रात कट जाएगी आने जाने में। शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए और जो नहीं खाए वो भी पछताए। क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। तब से ये लेकर मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? अब वहाँ पड़ा हुआ था, कहाँ रखूं? मेरे सर पे। अच्छा। अरे अरे हट, फेंकिए। अब कुछ नहीं। अब दूल्हा ने, दूल्हे ने वो सर के ऊपर वो क्या क्या पहना है? टोपोर। क्या? टोपोर। टो ओ ओ पोर। टोपोर पहन के बढ़िया दिख रहा है ना? हाँ, आप भी अपनी शादी में ऐसे ही टोपोर पहनना। नहीं, हम लोग पगड़ी बांधते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बंगाली लड़की से ही शादी करूंगा। धोती पंजाबी पहन के, टोपोर सर पे सजा के, बहुत बढ़िया दिखूंगा, है ना? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लड़की कहाँ से मिलेगी? लड़की बंगाली लड़की, बंगाली लड़की, बंगाली लड़की, अरे वो रही, वो रही, वो रही, देखो ना। चंपा। बढ़िया है, लेकिन एक मुश्किल भी है। मुश्किल? अब मुझे शादी के कार्ड के साथ श्राद्ध का कार्ड भी छपवाना पड़ेगा। इसका मतलब? इसका मतलब अब बॉम्बे की सिनेमा आर्टिस्ट टुनटुन को पहचानती हो? टुनटुन? टुनटुन? हाँ। वो मोटी सी? हाँ, तुम पहचानती हो? हाँ। इसका मतलब तुम फिल्में देखती हो? हाँ। तुमने देखा है राज कपूर नरगिस, क्रुदत वाइदा रहमान, धर्मेंद्र हेमा मालिनी? तुम बंगाली फिल्में देखती हो? हाँ। उत्तम कुमार सुचित्रा सेन? अरे बात क्या है, बताइए ना। बताता हूँ, सुनो। ये अगर गुस्से से मुझे एक करके मारे तो फिर सीधे ऊपर।
अब मुंह दिखाई हो जाए बेटी। अरे भाई तुम भी देखो। दोनों को एक दूसरे की तरफ देखने को क्यों कह रहे? इसे शुभ दृष्टि कहते हैं। हाँ, दोनों अगर एक दूसरे की आंखों में देखे तो शुभ दृष्टि होता है। हाँ। अच्छा, आंखों से आंखें मिलते ही शुभ दृष्टि। आप भी तो मेरी आंखों में झांक रही हैं। ये भगवान, इश्क कितने बेशरम है। बहुत अच्छा, थोड़ा 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 थोड़ा। भाई आ? देखा आ? क्या देखा? शुभ दृष्टि। शुभ दृष्टि देख लिया। अब नोक झोक देखोगे। चलो ये कंगन तो बहुत मेरी माँ ने दी है। हाँ। आओ महेंद्र, ये रहा नोक झोक का कोहबर। कोहबर? हाँ, वो जो तू गाएगा बोला था, गा। नहीं नहीं मैं नहीं गा क्या सकता। नहीं कोई बहाना नहीं चलेगा महेंद्र भैया, गाना ही पड़ेगा। आप फंक्शन में गाना गाते हैं तो यहाँ क्यों नहीं गाएंगे? हाँ। नहीं, नहीं मैं गाऊंगा। हाँ। लेकिन मेरे साथ किसी को गाना पड़ेगा। हाँ? कौन गाएगी रे भैया? यहाँ पे जो लोग गाना सीख कर भी बेसुरा रोते हैं। सरस्वती देवी भाग कहाँ रही? कहाँ भागूंगी? महेंद्र को तुमने काफी तंग किया है। मैंने तंग किया? गाना पड़ेगा। हाँ, गाना पड़ेगा, छोड़ने का सवाल ही नहीं है। गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। चलो चैलेंज कर रहे हैं। हाँ बैठिए। अरे बैठ। बोलो तेरे लिए सभी, बेहाग बोलो बाहर बोलो भैरविया पूर्वी।
बोलो बाहर बोलो भैरविया भुरवी बिमल भैया। हाँ संध्या ससुराल चली गई, फिर कब मुलाकात होगी क्या पता। अरे भाई यही तो होता है, हम सभी तो एक एक करके चले जाते हैं। खैर जाने दो, आज शाम को हम लोग वापस जा रहे हैं, पता है ना, या फिर यहाँ घर जवाई बनकर रहने की इच्छा है। लेकिन तुमने तो कहा था कि लौटने से पहले एक गांव घुमाओगे मुझे। अरे धत तेरे की, गांव घुमाऊंगा, गांव में है ही क्या जो दिखाऊंगा। क्या बोल रहे हो बिमल भैया, गांव में ही तो मिट्टी की खुशबू बसती है। यहां की मिट्टी की खुशबू, तालाब का किनारा, धान के खेत, यहां के लोग, तभी तो किसी ने कहा है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। ठहरो ठहरो बेटा, ये लाइन पता है, इसके बाद वाली लाइन भी पता है, इसी देश में उत्पन्न हुई प्यारी सुंदरी शकुंतला रानी। क्या क्या बोल रहे हो भैया। नहीं नहीं मैं क्या बोलूंगा, तुम खुद ही बुलवा रहे हो। वैसे क्या तुम ये जानते हो लड़की के पिता एक निष्ठावान पंडित पुजारी है, यहाँ के काली मंदिर के पुजारी। ये बात अगर उनके कान तक पहुँची तो वे संस्कृत में ऐसी ऐसी गालियाँ देंगे कि भागने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। जब प्यार किया तो डरना क्या। तुझे क्या हुआ रे, बात बात में कविताएं दोहरा रहा है। हाँ भैया। बोल भाई। कुछ कुछ होता है। तब तो तुझे इलाज करवाना होगा। कौन करेगा भैया। विमल भैया। हाँ। आपको पापा ने बुलाया है। बिन बादल बरसात, दिल का रिश्ता ऐसा ही होता है। इसका मतलब? मतलब घूमने जाओगी। कहाँ? अब जहाँ दो आंखें ले जाए। नौटंकी। आज रात को मैं जा रहा हूँ। जानती हूँ, फिर कब आओगे? पता नहीं, शायद तुम्हारी शादी में, तुम्हारी शुभ दृष्टि देखने, तुम्हारे कोबर में गाना गाने के लिए। क्या हुआ? आंखों में आंसू क्यों? बात नहीं करोगी क्यों? क्यों यहां दो दिनों के लिए आए थे? क्यों मुझसे पूछा था शुभ दृष्टि क्या होती है? तुम्हारी टोपर पहनने की, धोती पहनने की सपनों के बारे में क्यों कहा था मुझसे? हजार शब्दों से सारे जीवन में जो बातें नहीं की जा सकती, तुम्हारे इन आंसुओं ने बस एक ही पल में मुझे वो बतला दी। तुम मुझसे प्यार कर बैठी हो शकुंतला। है ना? मेरी आंखों में आंसुओं के अलावा और क्या है बताओ? ये एक ही चीज है जिससे सारा दुख सुख, तकलीफ परेशानी बयां कर सकती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार कर बैठा हूँ शकुंतला।
सच। बहुत प्यार करने लगा हूं। सच में? हाँ सच। ओ चल ठीक से मछली पकड़। लोग पैसा खर्चा करके फिल्म देखने काई को जाते हैं, बोलो तो कभी कभी यहाँ पर भी तो आ सकते हैं। इसका मतलब? वो देखो। साली। साथ में वो कौन है? अरे वो जीवन बाबू की लड़की की शादी में आया है, साला पंजाबी, नाम है महिंदर सिंह। साला। और आते ही गांव की सबसे खूबसूरत मछली को जाल में फंसा लिया। मैंने एक दिन शकुंतला का हाथ पकड़ा था तो उसने मुझ पर थूका और गाली देके चली गई, फिल्मों की हीरोइन के तरह। उसके बाप ने कहा था पंचायत बुला के गांव से निकालेगा, और अभी गुरु अभी तुम वही थूक लौटा देना। थू पता है बेटे, नंदू की उस घटना के बाद से मेरे मन में अजीब सा एक डर बैठ गया है। मेरी उम्र हो चुकी है, डरता हूं अगर मुझे कुछ हो गया तो शकुंतला का क्या होगा। बेटा मैं कह रहा था कि अगर शहर में कोई अच्छा लड़का। अच्छा लड़का तो हाथ के मुट्ठी में है पंडित जी, वो भी बहुत ऊंची जात का ब्राह्मण है, दोनों आंखों में सपने और अपने दिल में विश्वास लेके चला है अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है, मतलब आज नहीं तो कल वो खुद को कामयाब बना के ही मानेगा। कौन बेटा, क्या नाम है उसका? मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं कि उसके नाम के पीछे चौबे दुबे तिवारी ये सब कुछ नहीं है। तो फिर? सिंह है सिंह, उसका नाम है महेंद्र सिंह, इसलिए आपकी बेटी मेरे मुंह पे थूकती है और उस परदेसी बाबू के साथ रंगरलिया मनाती है जैसे फिल्मों में होता है। नंदू। अरे चिल्लाने से क्या फायदा, चिल्लाने से क्या सच झूठ में बदल जाएगा पंडित जी? नहीं, झूठ नहीं हो जाता, क्योंकि सच कभी भी झूठ नहीं होता। मैं शकुंतला से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। इसका मतलब? पंडित जी मैं इसी के बारे में बात कर रहा था आपसे। तू अपनी औकात में रह, तुझे नहीं पता पंडित जी कुलीन ब्राह्मण है और इस मंदिर के पुजारी भी। इससे तुझे क्या? मेरे दादाजी भी पुजारी थे, ये मां काली की पूजा करते हैं और वे शंकर भगवान की पूजा करते थे। अब बोलिए, मां काली और शंकर भगवान के बीच फर्क क्या है? फर्क क्या है तुझे बताऊं? हाँ समझाओ भाई, हमारा खून एक है, हमारे भगवान एक है, तो फिर हम अलग कैसे हुए? पापा, पापा मना कीजिए। नंदू ये सब क्या हो रहा है? मैं सिर्फ हारमोनियम ही नहीं बजाता, जरूरत पड़े तो हाथ पैर भी चलाता हूं, लेकिन मैं यहां लड़ाई करने नहीं आया। मैंने शकुंतला का हाथ थामा है उससे शादी करने के लिए। अरे साला, बहुत दम है तो तुझमें। रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र विवेकानंद के देश में पैदा हुए हो तुम, तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती भाई। और फिर हम लोग भारतवासी सारे एक हैं, एक जाति, हम सब एक हैं भाई। जानते हो हमारे राष्ट्रगान में पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा सब एक है। इसके अलावा ये हम लोगों से अलग कहाँ है? तीन पुरखों से ये इसी शहर का निवासी है, ये हमारे कल्चर भाषा का सम्मान करता है, ये हमारे साहित्य से प्यार करता है, लोक संगीत से प्यार करता है। मैंने रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, सरस चंद्र सबको पढ़ा है, तुम जैसों से इस संस्कृति को कहीं ज्यादा प्यार करता हूं, इसीलिए तो इस गांव को देखने मैं यहां आया हूं। लेकिन तुम लोगों को देखकर बड़ी निराशा हुई भाई,
महिंदर, महिंदर, इंसान की पहचान ये नंदू पीलू बिल्ला नहीं है, इस तरह के जानवर सभी जात में हैं। आप हमें बेइज्जत कर रहे हैं पंडित जी, एक पंजाबी के साथ शकुंतला की। मर नहीं सकता तू, इंसान रूपी जानवर, ये मेरी लड़की है, मैं इसके साथ शादी दूं या किसी और के साथ ये मैं तय करूंगा, इसमें तेरा क्या जाता है। ये रहा विमल, वो भी तो इसी गांव का है, उसने तो कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है, तू स्वार्थी है इसलिए भेदभाव करके इतना हल्ला मचा रहा है, जा यहाँ से। फिल्म तो आपने अच्छी बनाई है, याद रहेगी। महिंदर, एक दिन था आज गांव जो सोचता था, कल पूरा भारतवर्ष वही सोचता था। ये मत सोचो कि गांव की सोच मर गई, तुम्हारे कहने से पहले मैंने तय किया था, शकुंतला के साथ तुम्हारी शादी करूंगा। पापा। बेटी, हाँ बेटी, तेरा हाथ पकड़ के महिंदर जब बहुत ही हिम्मत से सर ऊंचा करके मेरी तरफ आगे आया, तब उसकी हिम्मत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा उसके मन में कोई पाप नहीं। यू आर ग्रेट पंडित जी, यू आर ग्रेट। जानते हो महेंद्र, हम लोगों ने हमेशा ही सच्चे भले और हिम्मत वाले नेक इंसान का सम्मान किया है, भले वह किसी भी जात का हो, बिना किसी भेदभाव के। पापा जी, मेरे दादाजी भी यही बातें करते थे, वे सुभाष चंद्र को प्रणाम करते थे, भगत सिंह को सलाम करते थे, वो शहर में मां काली का दर्शन करने आए थे और यहीं के होके रह गए। वे कहते थे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब बाहर से दिखने में अलग है, लेकिन अंदर जो बैठे हैं वे एक हैं। यही आदर्श आज के इंसान की प्रेरणा बने, फिर कोई अशांति नहीं होगी। तुम अपने मां के पास जाओ, उनसे आशीर्वाद लेकर आओ, मैं यहां शादी का इंतजाम करता हूं। जीते रहो पुत्र, मैं बहुत खुश हूँ, सिर्फ याद रखना कोई कभी ये ना कह सके कि पंजाबी से शादी करके एक बंगाली लड़की दुखी हुई। कदे नहीं होगा माँ, कभी भी नहीं होगा। ये लीजिए छोटे बाबा। ये सब क्या है बनवारी? ये धोती कुर्ता पहनकर शादी करने जाए। बहुत अच्छा, लो कपड़े उतार कर इन्हें पहन लीजिए। अरे ये क्या करे, क्या करे यहाँ पर, यहाँ नहीं उधर उधर उधर, चलिए उधर। दुल्हा बड़ा है या दुल्हन बड़ी है? दुल्हन बड़ी है। अब चुप कर, शादी के वक्त दूल्हा बात नहीं करता। ये क्या, दुल्हन तो भैंगी है। हाँ सही कहा, तेरी बीवी भैंगी है। कुछ भी। हाँ भैया जरा ठीक से देखो, भैंगी भैंगी। बकवास मत कीजिए, मेरी आंखें बहुत सुंदर है। ये लो, शुभ दृष्टि हो गई। ये भगवान। शकुंतला बेटी, तुझे एक बात कहनी है। देखूं देखूं। बेटी, कोई कह ना पाए एक गांव की लड़की से शादी करके एक शहर वाला दुखी हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा पापा। हाँ बेटी। टाइम से खाना खा लीजिएगा। खा लूंगा बेटी, मेरी चिंता मत कीजिएगा। हाँ हाँ, दवा भी ठीक से ले लीजिएगा। पंडित जी, जाने का वक्त हो गया है। हाँ, महिंदर अब तुम लोग जाओ, समय हो गया, तुम तो फिर आओगे। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। आप भी चलिए ना हमारे साथ, हमारे घर पे हमारे साथ रहिएगा। मैं, मेरा यहाँ मंदिर है, घर है, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ। चलो 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 चलो, जा बेटी जा। बेटी।
सुखी रहो पुत्र, हमेशा आबाद रहो। उठिए, 9 बज गए, उठिए। फिर तकिए से मुंह ढक रहे हो? अरे बाबा उठिए, चाय ठंडी हो रही है। अरे क्या हो क्या रहा है सुबह सुबह? प्यार, 1 महीने तक मैं दूसरा कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ प्यार करूंगा। प्यार, प्यार। सुबह सुबह नौटंकी, प्यार करेंगे और यहाँ लोग मुझे कुछ भी कहे। क्या बोलेंगे? कहेंगे पत्नी पति को कोई काम नहीं करने देती, सारा दिन अपनी पल्लू से बांध के रखती है। पल्लू से बांध के? मैं तो छुट्टा हूँ, बनवा लेता है खुद को तो आड़े पल्लू नाल। अरे, अरे अरे ये क्या हो रहा है, छोड़ो, क्या बदतमीजी कर रहे हो, छोड़ो। माँ जी कैसी हैं? अच्छी हूँ, तुम कैसे? ठीक हूँ। बनवारी भैया, हाँ? तुम्हारे छोटे बाबा क्या नींद से जागे हैं? थोड़ी देर पहले बहू रानी चाय लेकर गई है। तो फिर मैं भी जाता हूँ। दरवाजा खटखटा लेना। क्यों? शादी तो की नहीं, जानोगी कैसे? ओ अरे महेंद्र, ये क्या विमल भैया आ गए क्या? गाना गा रहे हो? आने दो, जो भी आता है। आने दो, आने दो। ओए मियां बीबी राजी तो क्या करेगा पाजी? आने दो, क्या बदतमीजी कर रहे हो? महेंद्र, भगवान, विमल भैया आ गए। अरे कौन है? शकुंतला, ये सब क्या हो रहा है मेरे भाई के साथ? बड़े भाई के सामने इस तरह से महेंद्र को पकड़ कर क्या हो रहा है? छोड़ो उसे। मैं क्या करूं, यही नहीं छोड़ रहे। अरे साले मुगमा, घुमा लिया। ची ची, ये क्या कर रहे हो? जल्दी से। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं मुझे अच्छा लगता। पकड़ लिया, शर्मीली दुल्हन भाग रही है। हैं? अरे सुनो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरे घर आने वाली है नन्ही परी, एक नन्ही परी। केल कितना बदतमीज है। मेरे घर आने वाली है नन्ही परी। चार ही दिन हुए हैं, इसी बीच अगर ये बाप बन गया तो सोचो लोग क्या कहेंगे। जा रही हूँ। सचमुच बहुत अच्छी खबर है, महेंद्र के गाने अभी हॉट केक की तरह मार्केट में बिक रहे हैं। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे गिर जाएगी, अरे गिर जाएगी, उतार उसे, उतार। अरे क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? माँ, मेरे गानों की सीडी धमाल मचा रही है। बल्ले बल्ले, लक्ष्मी जुगा रही है, अब महेंद्र की तकदीर खुलेगी। सही कहा आपने। महेंद्र, कुछ लड़के आए हैं फंक्शन पार्टी। मैं जाता हूँ माँ जी, महेंद्र का रेट अब बढ़ाना पड़ेगा। क्या विमल भैया? हाँ। मैं फंक्शन नहीं करूँगा 1 महीने तक। 1 महीने तक क्यों नहीं करोगे? मैं प्यार करूंगा भैया, प्यार। हाँ। ओ, प्यार करोगे, यही बात उन लोगों को नहीं, 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 नहीं। क्या? मैं जाता हूँ, उन लोगों को भगाता हूँ। अब आए ना रास्ते पर। नमस्ते, नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। बैठिए, बैठिए, बैठिए। सुनिए भैया, मैं अभी 1 महीने तक कोई फंक्शन नहीं करूंगा। क्या बात कर रहे हैं भैया, हमारे एरिया में आपका बहुत डिमांड है, घर घर में आपके गाने बजते हैं। समझा, लेकिन मैं अभी प्यार करेगा। क्या आप रेट बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, बढ़ाना तो पड़ेगा ही। अब क्या है कि अब मैंने शादी कर ली है। अच्छा अच्छा। अरे सुनती हो? क्या हुआ? ये रही मेरी बीवी। नमस्कार कीजिए। नमस्ते। तो फिर बोलिए कितना लेंगे आप? मैं बताता हूँ, हमारा रेट तो आपको पता ही है। पहले पता है, पता है, पता है, डबल कर देते हैं। क्या करेंगे? डबल? हाँ, डबल। डबल मतलब दुगना? तो फिर पता नहीं, ये मानेंगे कि डबल कर दिए। नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं, वर्ड इज वर्ड। एडवांस, एडवांस। अरे मैं कह रही हूँ ना, राजी हो जाओ। अरे ऐसा एडवांस करो। ठीक है, अभी पूरा एडवांस कर देते हैं। विजय पैसे दे दे। बच्चे जैसा मत करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये लीजिए भाभी पैसे। हाँ वाह भैया,
बीवी के हाथ में रुपए पकड़ा कर मेरा मुंह बंद करवा दिया। ठीक है, अरे बाप रे। भैया उसे दो नहीं। क्या करूं? अरे तुम ही लो। नहीं, गाना मैं नहीं गा सकती, जिंदगी में कभी स्टेज पर ही नहीं चढ़ी। लो जी, इसके पहले तो कभी शादी भी नहीं की थी। कर ली ना, संध्या के कोवर में कितना बढ़िया गाई थी, इमन बोलो बसंत बोलो। और देखो, अगर तुम मेरे साथ गाना गाओगी तो दूसरे किसी सिंगर के साथ गाना नहीं पड़ेगा। सुनो, बहुत दिन पहले हमारे गांव में एक फिल्म देखी थी, अभिमान। उसमें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जी ने काम किया था। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ क्या हुआ था पता है? अमिताभ बच्चन, क्या हुआ था? दोनों एक साथ गाना गाते थे, बस जैसे ही जया बच्चन जी ज्यादा फेमस हो गई, अमिताभ जी ने शराब पीना शुरू कर दिया, फिल्मों की हीरोइनों के पास जाना शुरू कर दिया। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं सह सकती। तुम हीरोइन के साथ मजे करोगे? नहीं नहीं नहीं, लेकिन अभिमान तो सिनेमा है, दर्शकों के मन में गुदगुदी पैदा करने के लिए की जाती है, फिल्मी कहानी। वास्तव में ये सब नहीं होता है पागल। अगर हो गया तो पति परमेश्वर, तब तो जाओ बाबू सोना, नहाने जाओ, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अभिमान अगर हुआ, क्या जरूरत है झमेले की भाई, बस बसवार में ही रहे तो अच्छा। अरे सुनती हो? बहुमा महेंद्र बुला रहा है। बहुमा नहीं माँ जी। ओह भूल हो गई बहुरानी। छोले बाबा बुलाने में गलती नहीं करते, कितने प्यार से बुला रहे हैं। अरे सुनती हो? बनवारी भैया सुनो ना लोखिटी। उफ। जाओ, मुझे लगता है कुछ जरूरी काम से तुम्हें बुला रहे हैं। कितने प्यार से सुनो लक्की टी। जा 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 तुम। क्या कह रहे हो महेंद्र बाबू? पैजामा लाना भूल गया तो दे दो ना लक्की टी। ची 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 भगवान, जाओ अंदर जाओ। इस बात करने का तरीका देखो, दे दो ना लक्की टी। आह, अकेले कोई काम नहीं कर पाते हैं, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। ये लो। आह छोड़ो, हो क्या रहा है, छोड़ो। ए, छोड़ो ना। नहीं नहीं दो ना, प्लीज प्लीज दो ना, जाने दो। कितनी बेशरम है, पता नहीं कौन से पंजाबी बाबू के पल्ले पड़ गई, परेशान करके रख दिया। दो। ये क्या, तुम छोटे बाबा को नहला कर आ रही हो या खुद नहा कर आई हो? दूंगी। ठीक है पकड़ो। शकुंतला, अरे गुस्सा मत करो यार, तौलिया दे जाओ प्लीज। अरे बाबा छोड़िए 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 छोड़िए, कपड़े वपड़े खोलकर जल्दी से कपड़े बदलिए, बाद में मजा चखाऊंगा। उतना आ ना सकूं।
रिकॉर्डिंग कैसी रही? था तेरी की। तुम्हें पता चल गया मैं आ रहा हूँ? मुझे दूर से पता चल जाता है। अरे रे रे रे, बिल्कुल पास मत आना। मैं शिवम को दूध पिला रही हूँ। अपने पति से कैसी शर्म? एकदम पास मत आना, जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं माँ को बुलाऊंगी। आओ, मेरी बला से। अच्छा रुको, माँ। अरे महेंद्र, बिमल भैया, एक मिनट, शकुंतला शिवम को दूध पिला रही है। अरे अरे महेंद्र, अरे छोड़ो। क्या हुआ? बोलो बोलो, शर्मा नहीं? हर वक्त तू ऐसा काम करता है ना। सुनना, एक अच्छी खबर है। अरे सुनना सुनना, अरे मुझे छोड़ महेंद्र। नहीं, अभी अभी खबर मिली है कि इस साल गाने के लिए तुझे 3-3 प्राइज मिले हैं। सच में? देखो, मेरे आने से तुम्हारी किस्मत खुल गई। शादी के बाद जब यहाँ आई तब तुम्हारी कैसेट रिलीज हुई। उसके बाद तुम्हारे फंक्शन की रेट बढ़ गई। उसके बाद धीरे धीरे तुम फिल्मों में गाना गाने लगे। अरे गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, बोला। हाँ, हाँ, हाँ। एकदम सही बोले भैया। सब शकुंतला की खातिर, मेरे खुद की तो कोई औकात ही नहीं। मैं तो साला एक फालतू सिंगर हूँ। सुजन समाज सकल गुण खानी, करु प्रणाम सप्रेम सुबानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस बिसत गुण मय फल जासु, जो सही दुख पर छित्र दुरावा, वंदन्य जे ही जग जस पावा, विधि निषेध विधि निषेध मय कली मलहरनी, करम कथा क, क, क,
करम कथार अभिनंदनी बरनी हरिहर कथा बिराज तिबरनी सुनत सफल मुद मंगल मुद मंगल। माता जी ये तस्वीर देखिए, मेरे एक फैन ने उपहार में दी है। वाह बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है, ड्राइंग रूम में लगा दे। ड्राइंग रूम ना, नीचे नहीं, मैं तो कहता हूँ यही लगा देता हूँ। यहाँ तेरा दिमाग खराब हो गया है, मंदिर में तेरी फोटो रहेगी? नहीं रहेगी तो बहू की फोटो रहेगी। बहू घर की लक्ष्मी है, सब उसी की फोटो देखेंगे तब ये घर शुभ होगा। बिल्कुल सही कहा, शो में जाते वक्त मेरा चेहरा देख के जाओगे तो मंगल होगा। माँ तुम्हारे बहुरानी की तस्वीर यहाँ लगेगी, और मैं तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना खाद का। इसका मतलब? नहीं यूं ही बड़बड़ा रहा था, चलना चाहिए मुझे। जा और परेशान मत कर, तुम पाठ करो बहू। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। क्या है पूरे घर में मेरी फोटो क्यों लगा रखी है? अरे रुको, नहीं सिर्फ मंदिर में ही नहीं समूचे घर में हर तरफ तुम्हारी तस्वीर रहेगी, ताकि हर समय तुम्हारा चेहरा देख पाऊं। इससे मेरा भला होगा, तुम्हारे ही कारण तो सब हो रहा है। मैं बड़ा खुशनसीब हूं। देखो मेरे आने से तुम्हारी किस्मत खुल गई, उसके बाद तुम्हारे फंक्शन का रेट बढ़ गया, धीरे धीरे तुम फिल्मों में गाना गाने लगे। वेलकम 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 महेंद्र सिंह जी, वेलकम वेलकम महेंद्र सिंह जी, वेलकम। अरे आइए आइए साहब, आइए आइए। थैंक यू थैंक यू, अवार्ड के लिए आपको कांग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत खुशी हुई। वेरी मच थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। ओ पापा जी इन्हें भी तो दीजिए, इन्हीं का प्रताप है सारा। कंग्रेचुलेशन साहब, अपनी भाभी को दे, सब इनका प्रताप है। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। इस साल सभी फिल्मों में महेंद्र जी ने गाना गाया है। और साउथ की फिल्म में भी गाया है ना। हाँ जी चलते उस तरफ चलते हैं। तुम्हारे पति की किस्मत अच्छी है कि उसे तुम मिली हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो गाना गाते हैं, रियाज करते हैं, मेहनत करते हैं। सो तुम जो भी कहो, तुम्हारे पति का सौभाग्य तुम ही से ही है, और मेहनत और लगन से तो सभी काम करते हैं। हर कोई महेंद्र सिंह थोड़ी ना है। देखा नहीं शादी के बाद तुम्हारी पति की किस्मत कैसी खुल गई? वो ये कहते हैं ना, पत्नी की किस्मत से पति का नाम होता है। महेंद्र सिंह जी सच में भाग्यवान हैं।
और तुम भी, तुम्हारी वजह से ही उनको जीवन में सफलता मिली है। हाँ, शादी से पहले तो इतना नाम नहीं था उनका, तब तो वे एक साधारण गायक थे। तुम्हारे साथ शादी के बाद ही तो उनका इतना नाम हुआ है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, छोड़। तू क्या पागल हो गया है क्या? बनवारे भैया, बिमल भैया, क्या मैंने ये तय कर लिया है, अब मैं गाना नहीं गाऊंगा। ये सब क्या बक रहा है पागलों की तरह? No more song। अच्छा ठीक है, चल सोने चल, सोने चल। अरे चल, गाना नहीं गाएगा। सुनिए सुनिए बिमल, जानना चाहते हैं? सुनिए आप लोग, आप सब सुन लीजिए, मुझे ये नाम, ये यश, ये गाड़ी, बंगला, रुपया, अवार्ड, सब कुछ मिला है। मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी सौभाग्यवती शकुंतला की खातिर, सब सब शकुंतला की खातिर। क्या हुआ? यस सुन, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। अरे प्रतिभा नहीं है, सुनिए, अरे सुन, टैलेंट नहीं है। अरे सुन महेंद्र, यहाँ तक कि मैं अगर गाना छोड़ भी दूं, तब भी ये सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा शकुंतला, सब कुछ। मेहनत, रियाज, कला, इन सब की कोई कीमत नहीं। अगर किस्मत में ना हो तो कुछ नहीं होता महेंद्र। बत्ती बुझा दो। देखिए आप खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर में आपने शराब पीना शुरू कर दिया, माँ क्या सोचेंगी बताइए तो। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए शिवम को लेके मायके चली जाऊं। मुझे पता है अगर मैं ना भी रहूं तो आपका फंक्शन, गाना ऐसे ही चलता रहेगा। तब तो और लोग नहीं कहेंगे कि सब मेरी वजह से हो रहा है, तब आपकी बात ही सच हो जाएगी। ये सब अंधविश्वास है, लोगों की सोच गलत हो जाएगी। मुझे सुने दो, महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र बेटा, महेंद्र, महेंद्र बेटा। बहू रानी चली गई, पोता भी चला गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया। महेंद्र बेटा, महेंद्र, माँ क्या हुआ माँ? महेंद्र बेटा, बहुरानी चली गई, महेंद्र बहुरानी चली गई, घर की लक्ष्मी चली गई। ये देख चिट्ठी मेरे तकिए के नीचे थी, शिवम को भी ले गई। बनवारी भैया, छोटे मामा, डॉक्टर को फोन करो, और विमल भैया को भी फोन कर लो। नहीं तो शकुंतला तो यहाँ नहीं आई क्या? लेकिन शकुंतला ने तो महेंद्र से कहा था, इसके अलावा उसने चिट्ठी भी लिखी थी कि वो यहीं आ रही है। क्या हुआ बेटा,
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हो सकता है बाद में उसका मन बदल गया हो और शहर में ही किसी सहेली के पास रुक गई हो। मैं देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। महेंद्र बेटा, जैसे भी हो बहू को घर ले आ। नहीं नहीं बहू नहीं, बहू रानी, बहू और रानी, इसलिए बहू रानी। माँ चुप करो माँ, विमल भी आ गए हैं तुम्हारी बहू रानी को लाने के लिए। डॉक्टर ने तुम्हें बात करने से मना किया है माँ। अरे शकुंतला तो गांव गई ही नहीं है। क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं थाने, हॉस्पिटल, उसकी सारी सहेलियां, जहां वो जा सकती है मैं हर जगह दिखाया, कहीं नहीं मिली। माँ जी को जब से होश आया है तब से बहुरानी के बारे में ही पूछ रही है, पता नहीं अब क्या होगा। माँ जी कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा? अभी तक खतरा टला नहीं है। छोटे बाबा, माँ जी कुछ कहना चाहती है। क्या हुआ माँ, क्या तकलीफ हो रही है माँ? मेरी बहू रानी नाराज होकर हम लोग को छोड़कर चली गई और अब नहीं आएगी। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी हमें छोड़कर चली गई। महालक्ष्मी माँ, 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 माँ जी भी हमें छोड़कर चली गई। छोटे बाबा, शकुंतला सच में लक्ष्मी थी रे, वो भी चली गई, माँ जी भी हमें छोड़कर चली गई। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। शिवम, याद करने की कोशिश करो बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं फिर से उसे मालती दीदी। क्या हुआ, तू इतनी सुबह सुबह? कल सारी रात मैं नहीं सो पाई, मैं शिवम के बगैर नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। जैसे भी हो मैं उसको वापस लाऊंगी ही, मैं शिवम के बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं शिवम के बिना नहीं जी पाऊंगी। बाजा बजाओगे क्या? ये सब क्या है? ये सब ये तबला है, गाने के साथ बजता है। ये क्या है? वो है हारमोनियम। हारमोनियम इसके साथ तुम्हारे पापा रियाज करते हैं, गाना गाते हैं, सुनोगे? रुको सा रे मा। मैं बजाऊंगा। तुम बजाओगे? तुम बजाओ, मैं नाचता हूं। वाह
शिवम बाबू तो बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, है ना बनवारी भैया? आपसे अच्छा बजाता है। शिवम ये देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। ये बैट, अब विकेट्स, अब और ये देखो कंस्ट्रक्शन गेम, और ये रही कार, ये देखो पैंट शर्ट। ये बजा के तुम गाना गाते हो? हाँ, तुम सुनोगे? सुनूंगा। गई 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 गई। मन भी था बसंत भी था जीवन में था सभी, बेहाग भी था बाहर भी था भैरविया पुर भी। मन भी था बसंत भी था जीवन में था सभी, बेहाग भी था बाहर भी था भैरविया पुर भी। मन भी था बसंत भी था जीवन में था सभी, बेहाग भी था बाहर भी था भैरविया पुर भी। जीवन में था सभी, बेहाग भी था बाहर भी था भैरविया पुर भी। साहब, एक औरत आई है, वो कह रही है उनका बेटा यही है, ये रहा उनके बेटे का फोटो। शिवम,
बनवारी भैया, तुम्हारी वहाँ भी आ गई है बहू रानी। शकुंतला, 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 मैं जानता था तुम एक दिन जरूर वापस आओगी, मुझे पक्का यकीन था तुम। अब आप? मेरा नाम मालती है, कल से मेरा बेटा मिल नहीं रहा है। कल थाने में जाके पता चला आप हॉस्पिटल से एक लड़के को घर लेके आए हैं, उसको जरा बुलाएंगे, देखो तो वो मेरा बेटा है कि नहीं। नमस्ते। नमस्ते। ये अगर आपका लड़का है तो वो यहीं पर है। आपके लड़के का नाम क्या है? उसका नाम शंकर है। अरे यही तो, शंकर, 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 शंकर। शंकर कैसे हो बेटा, कैसे हो? चल चल हम चलते हैं। आपको यकीन है ये आप ही का लड़का है? ये आप क्या कह रहे हैं, अपने बेटे को मैं नहीं पहचानूंगी? और वैसे भी याददाश्त उसने खोया है, पर मैंने तो नहीं। अब मैं अपने बेटे को ले जाऊं? चल शंकर चल। अब रुकिए, ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास जो प्रमाणित करे ये आप ही का बेटा? प्रमाण? इसके पीठ के बीचों बीच एक काला दाग है, कुछ दिन पहले दरवाजे की कील से चोट लग गई थी, अभी तक वो दाग मिटा नहीं है। लेकिन उसकी जेब में हमारी शादी की एक तस्वीर थी, क्या आप बता सकती क्यों? अरे हाँ, दरअसल ये आपका बहुत बड़ा फैन है, पेपर में आया हुआ हर फोटो ये काट के रखता है। कुछ दिन पहले आपकी वो फोटो उसे रास्ते में पड़ी मिली, इसलिए पॉकेट में रख ली थी। अब मैं अपने बेटे को लेके जाऊं? छोटे बाबा उसके लिए कुछ कपड़े और खिलौने खरीद कर लाए थे, आपके साथ जाकर उन्हें पहुंचा दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी गाड़ी आप लोगों को छोड़कर आएगी, मैं बाहर से टैक्सी ले लूंगी, चलती हूँ। सुनिए, मेहरबानी कर आपके घर का पता अगर दें तो मैं कभी कभार उससे मिलकर आ सकता हूं, उसके लिए मेरे दिल में माया जाग उठी है। हम जहां रहते हैं वहां आपकी गाड़ी नहीं जा पाएगी, उससे अच्छा मैं कभी कभी उसको यहां भेज दिया करूंगी, और इसके ठीक हो जाने से मैं आपको खबर कर दूंगी, क्योंकि आप ही ने तो उसे रास्ते से उठा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चल बेटा। प्यारा बेटा, मेरा लाडला बेटा, कहाँ चला गया था तू? हाँ बता, बता ना, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है, मैं तेरी माँ हूँ। हाँ
उसे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा शकुंतला, सब याद आ जाएगा। तू थोड़ी हिम्मत रख बहन। पता है, मुझे लग रहा था महेंद्र बाबू को सब पता चल जाएगा। शुक्र है तूने मुझे उस दाग के बारे में बता दिया था, इसलिए बच गई। मुझे लगा था वो शायद समझ गए होंगे, यही शिवम है, इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ते, क्योंकि वो मुझसे भी शिवम को ज्यादा प्यार करते थे। छोटे बाबा, अंधेरे में अकेले क्यों बैठे हैं? बत्ती जला दूं? नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा बनवारी भैया। कल आपने खुश होकर घर की सारी बत्तियां जला दी थी। हाँ, शिवम आया था इसलिए। लेकिन वो तो शिवम नहीं, वो तो उस औरत का बेटा था। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम जाओ, जाओ बनवर भैया। देखा ना, डॉक्टर ने कहा शिवम अब पहले जैसा होने लगा है। वो किताब कैसे झट से पढ़ दी। भगवान के पास यही प्रार्थना करो मालती दीदी, ये जल्दी ठीक हो जाए। सबसे पहले ये मुझे ही पहचाने, फिर से मुझे माँ कहे। अरे शकुंतला, तू ये तो पूरा फिल्म जैसा हो गया रे। तेरे बाप से सुना था मैंने, तू महेंद्र सिंह को छोड़ के चली आई है। मुझे पता होता कि तू यहाँ रहती है तो मैं कब का इस कारखाने में चले आता। लेकिन तुम कौन हो? मालती दीदी चल। रुक जा, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? अगर ये मेरे बारे में जानना चाहती है तो मैं बता दूँ। तुझ जैसे जानवर के बारे में कौन जानना चाहेगा? हाँ, ये भी सही है, इंसान ही रंग बदलते हैं, कभी शैतान हो जाते हैं तो कभी भगवान, लेकिन जानवर नहीं बदलते। आप जानती है हम लोग एक ही गाँव में रहते थे, मैं वहाँ के मुखिया का बेटा हूँ। तो यहाँ कैसे आए? बाप की जायदाद को जुए शराब में उड़ा के घाट घाट का पानी पी के अब प्यास बुझाने यहाँ आया हूँ। इस कारखाने का मालिक बहुत दयालु है, कल से ही काम पर रख लिया। बस उसके बाद फिल्मों की तरह शकुंतला से मुलाकात हो गई। यही क्या वो शिवम है? हाथ मत लगाना इसे, जानवर कहीं का। और कितनी गाली देगी मुझे, थक नहीं जाती? पता है फिल्म में एक ही डायलॉग दर्शकों को बार बार अच्छा नहीं लगता। मैं चलती हूँ मालती दीदी। जा कहाँ रही है? रुकिए, शकुंतला का पता तो देते जाइए। हाँ, बीच बीच में मिलता रहूंगा, एक ही गांव के लोग हैं, सुख दुख में काम आएंगे। शकुंतला ने ठीक ही कहा था, सच में तुम एक जानवर हो। जा साला, ये भी वही डायलॉग देकर चली गई। चल शिवम, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ और नहीं रहेंगे। ऐसे कब तक भागती रहेगी तू? क्या करूं बता, मेरे नसीब में सुख नहीं है, चैन नहीं है, सब ठीक चल रहा था, पता नहीं कहां से वो जानवर आ गया। पर नंदू से इतना डर क्यों रही है तू? यहाँ पे मैं हूँ, आसपास इतने लोग हैं, तो डर किस बात की? मैं अपने लिए नहीं डर रही हूँ, मुझे शिवम के लिए डर लग रहा है। नंदू चौधरी कुछ भी कर सकता है, नंदू ने अगर शिवम को कह दिया क्या तो? कहेगा नंदू शिवम को? शकुंतला सुन, शकुंतला, मैं तेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ जानती हूँ तू महेंद्र सिंह की बीवी है। लेकिन नंदू चौधरी को देख के तू इतना डर क्यों रही है? उसे देख के भागना क्यों चाहती है? बोल बोल मुझे शकुंतला। नहीं नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी। सच्चाई जानने के बाद तू मुझसे नफरत करेगी, शिवम मुझे नहीं छुएगा, माँ भी नहीं कहेगा। शकुंतला,
मेरी कोई बहन नहीं है रे, तू मेरी बहन जैसी है। दीदी कभी बहन से नफरत करती है क्या? और शिवम तुझे छुएगा नहीं, ये भी कभी हो सकता है क्या? और संतान क्या अपने माँ को कभी अपवित्र मान सकती है? शकुंतला, शकुंतला मुझे तो सारी बातें बता, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हर तरह से मदद करूंगी। बोल बोल मेरी प्यारी बहन। नहीं नहीं, मुझे प्यारी मत कहना, मुझे तारीफ से बहुत डर लगता है। पता है मेरी सासू माँ भी मुझे ऐसे प्यार से बुलाती थी, उनके बेटे का घर उनके लिए एक मंदिर था और उस मंदिर में मुझे मुझे देवी की तरह मानती थी, अपने बेटे से भी ज्यादा वो मुझसे प्यार करती थी। लेकिन फिर भी उनको शमशान ले जाते वक्त मैं उन्हें पैर छूकर प्रणाम भी नहीं कर सकी। क्यों पता है? क्योंकि उनकी देवी वो लक्ष्मी मैं अपवित्र हो गई हूँ। शकुंतला, मैं अपवित्र हो गई हूँ, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। पति से नाराज होकर शिवम को लेकर कुछ दिन पापा के पास रहने के लिए ट्रेन से पहुंची हरिपुर स्टेशन। उस दिन तूफानी रात, उस आंधी तूफान में शिवम को लेकर उस अंधेरी रात में पैदल चलने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए बैठी रही सुनसान वेटिंग रूम में सुबह होने के इंतजार में। उस काली रात को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी, मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। अबे ये तो शकुंतला है, चुड़ीका चुड़ीका, अरे कहीं ये सपना तो नहीं? नहीं गुरु, ये तो सच्चा गुरु। अबे ये तो एकदम फिल्म का सीन है। गुरु क्या संजोग है ना? अच्छा हुआ आपने बलरामपुर की ट्रेन मिस कर दी, सब ऊपर वाले की मर्जी। मैं पापा के पास नहीं जा सकती। सत्य है, 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 सत्य है,
सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान, आप शिवम का ध्यान रखना। मुझे माफ करना बेटा। मुझे क्यों बचाया? बोल मालती दीदी, उस दिन मुझे क्यों बचाया? रो मत शकुंतला, रो मत। जो हो गया है उसके लिए तू जिम्मेदार नहीं है। नंदी जैसे जानवर बहुत है इस दुनिया में। तू देखना, महेंद्र तुझे फिर से अपना लेंगे। तू यकीन कर, फिर देखना तुझे उस नंदू की डर से इस तरह भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे पति, मेरे पति, क्या वो फिर से मुझे मुझे पहले की तरह प्यार कर पाएंगे? क्या वो मुझे फिर से अपना पाएंगे? एक बार भी उन्हें ऐसा नहीं लगेगा ना कि शकुंतला पवित्र है? और मेरे सासू माँ की उस मंदिर में मैं क्या आसानी से जा पाऊंगी? नहीं, नहीं जा पाऊंगी। हमेशा शर्म, घृणा, संकोच में उस घर में मेरा दम घुटता रहेगा। पल पल मरने से बेहतर है यही रहूं, ऐसे ही गुजार दूंगी अपनी बाकी जिंदगी। लेकिन तेरा बेटा शिवम अपने साथ उसकी जिंदगी भी तू ऐसे बर्बाद कर देगी? महेंद्र सिंह का बेटा जिंदा रहेगा इस दुनिया में एक भिखारी की तरह? नहीं, नहीं। इससे अच्छा तू एक काम कर, कल ही शिवम को उनके पास छोड़ कर आ और कहना शकुंतला बहुत दिनों पहले ही मर चुकी है, तूने ही उसे पाला है अपने बेटे की तरह। शिवम के बिना तू नहीं रह पाई, इसीलिए तो उसको वहां से लेकर आ गई। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से शिवम की जिंदगी बर्बाद हो जाए। शिवम खुश रहे, हमेशा खुश रहे, इसमें उसका क्या कसूर है? क्या हुआ शिवम, क्या हुआ? इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये सब तूने जमा किया है? लगता है ये वो टिफिन के पैसे हैं, वो जो तू देती थी ना। हाँ, ऐसा ही होगा। शिवम, तू टिफिन नहीं खाता था? टिफिन? टिफिन क्या है? स्कूल में दोपहर को खाने के लिए जो पैसे देती थी, याद आया? याद आया? लेकिन टिफिन ना खाकर इतने पैसे क्यों जमा करता था? एक हारमोनियम खरीदने में कितने पैसे लगेंगे? ओह, इसीलिए तो पैसे जमा करता था हारमोनियम खरीदने के लिए? तूने तो मुझे कभी पता चलने नहीं दिया। तुझे इतना गाना सीखने का शौक है कि बिना खाना खाए हारमोनियम खरीदना चाहता था? मेरा सोना, मेरा बच्चा। मैंने हारमोनियम देखा है। कहाँ देखा है? उस आदमी के घर में जहाँ से वे मुझे लाई है, उस आदमी ने मुझे हारमोनियम बजा के गाना सुनाया था।
इमन था, बसंत था। इमन भी था, बसंत भी था, जीवन में था। सुन, तुझे क्या पिछली बातें याद नहीं आ रही? तू यहाँ रहता था मेरे पास, मैं तेरी माँ हूँ और ये है तेरी मौसी, तुझसे कितना प्यार करती थी। तुम्हें याद नहीं आ रहा है? तुम ये बिस्तर में बैठ के पढ़ाई करते थे। एक दिन मैंने तुमसे पूछा, शिवम तुम क्या पढ़ रहे हो? तुमने एक अंग्रेजी किताब का नाम बोला था, वो क्या नाम था किताब का? मुझे सिर्फ उस आदमी की बात याद है। तुझे उनका नाम पता है? नहीं। महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह। तू कहता था महेंद्र सिंह महाशय कहूंगा या महेंद्र सिंह बाबू कहूंगा। मैं कहती थी नहीं नहीं, वो सब बाबू फाबू नहीं। तू कहता था तो फिर क्या बोलू जी? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। तुझे याद है मैं कहती थी तू उन्हें महेंद्र सिंह जी कहना। तू कहता था ये देखना, बोलता था महेंद्र सिंह का लंबा सिंह, ये देख ऐसे हंसता था। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं। तुम लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्यों ऐसी बातें बोले जा रहे हो? तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं, कुछ याद नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कल सुबह से नजर रखनी होगी कि मालती शिवम को लेकर कब निकलती है। सब कह रहे हैं मेरा नाम शिवम है, पर मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा? मुझे याद दिला दो, मुझे याद दिला दो, मुझे याद दिला दो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे याद दिला दो, मुझे याद दिलाओ सब कुछ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। Thank you.
पागल है क्या? ये मेरी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। अगर इसे महेंद्र सिंह को दे दूं तो मुझे 50,000 रुपए मिलेंगे। छोड़ देता हूँ, पहले 50,000 दे, जैसे फिल्मों में होता है। शैतान जानवर, फिर से वही डायलॉग। क्यों मारा मेरी माँ को? क्यों मारा मेरी माँ को? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों मारा मेरी माँ को? आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। माँ, माँ कुछ तो बोलो माँ, माँ, माँ कुछ तो बोलो माँ, माँ, माँ कुछ तो बोलो माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? कुछ तो बोलो माँ, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बोलो। शकुंतला, वो देखो माँ, पापा आ गए हैं। हराम साधे, तूने मेरे जीवन के 8 साल खराब किए हैं। बहुरानी, माँ, शकुंतला, मालती दीदी तू गुस्सा मत होना बहन, तेरी सारी बातें सुन के मुझसे और रहा नहीं गया, तेरे पति को जाके खबर कर दी। चौल में उनको ले जाके पता चला तू इस तरफ आई है, इसलिए आप इसको हमारे हवाले कर दीजिए महेंद्र जी, हम लोग इसको देख लेंगे। हम आपके फैन हैं और यकीन मानिए हम इसे छोड़ेंगे नहीं। मार साले को, मार, मार साले को। शकुंतला, मत छुओ, मत छुओ मुझे, मैं अपवित्र हो गई हूँ। शकुंतला, माँ काली को भी तो कितने कलंकित लोग छूते हैं, क्या माँ उससे अपवित्र हो जाती है? अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। गंगा के पानी में तो कितनी गंदगी बहती है, तो क्या गंगा पवित्र हो गई? तुम जैसी थी वैसी ही हो, चलो घर चलो। पापा, माँ कही थी तुम्हें महेंद्र सिंह जी बुलाने के लिए, महेंद्र सिंह का लंबा सिंह। Thank you.
तू।